Good morning students, today date is 26 August and day is Wednesday. Firstly open your maths book to page number 75. Madam ne last turn mein mixed word problem mein se question 5 kiye the. First, second, third and फोर्थ एंड फिफ्थ यानी कि पेज नंबर 76 तक हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने ये अच्छे से किए होंगे और आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 टू पेज नंबर 77। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स रीड। इन आ पोंड देयर वर 600 फिशेज। एक पोंड है, ठीक है, उसमें क्या है 600 फिशेज हैं। ड्यू टू सम दिस इज 356 फिशेज डेड। उसमें क्या है, बीमारी की वजह से 356 जो फिश हैं वो मर गई। हाउ मैनी फिशेज आर लेफ्ट इन द पोंड। अब पोंड में कितनी फिशेज बचती हैं, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे टोटल फिशेज, टोटल फिशेज, हाउ मैनी टोटल फिशेज 600, ठीक है 600 राइट करेंगे। सेकंड लाइन में डेड फिशेज, अब हम क्या लिखेंगे, डेड फिशेज यानी कि कितनी आपकी फिश जो है वो मर चुकी हैं, कितनी 356। अब हमारी लेफ्ट फिशेज यानी कि हमारे जो पोंड में हैं वो कितनी फिशेज अभी लेफ्ट यानी कि बची हुई हैं, कैसे पता लगेगा, 600 टोटल थी, 356 उसमें से मर चुकी हैं, तो अब कितनी बची है कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, सब्ट्रैक्शन का। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका जो टोटल थी 600 और आपकी डेड थी 356, हाउ मैनी लेफ्ट फिशेज। फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर की जो है प्लेसेस देख लेते हैं। ये आपका 100 है, 10s है, 1s है। हम 1s प्लेस से स्टार्ट करते हैं, पता है ना, लेकिन 1s प्लेस पर आपकी क्या है, 0 है, 0 में से आप 6 को लेस नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, 1s प्लेस से 10 प्लेस पर जाते हैं। अब 10s प्लेस पर जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 है, उसके पास भी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे 100 के पास। अब 100 से हम 110 लेके आएंगे, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, जब हम 0 में 10 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से हम 1s प्लेस को देंगे यानी कि 1s 10s देंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, और 10 में से हमने दिया है सो हमारा कितना बचता है, 9। हम इसके ऊपर यहाँ पर 9 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने 6 में से 1 दे चुके ना, तो हमारा यहाँ बचता है 5। हमने पहले ही अपनी प्लेसिंग सेट कर दी, अब हमें देखना सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हमें सर्कल वाली नंबरिंग देखनी है, ये वाली नहीं देखनी है। 10 में से 6 लेस करेंगे देन कम्स आंसर इज़ 4। अब 9 में से 5 को लेस करेंगे देन कम्स आंसर इज़ 4। 5 में से 3 को लेस करेंगे देन कम्स आंसर इज़ 2। हमारा आंसर आता है 244। लुक एट दिस, 244। आई होप आप सभी को समझ आया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आ जंगल देयर आर 356 मंकीज, 168 डियर एंड 213 जैकल्स। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द जंगल। बेटा एक जंगल है, ठीक है, उसमें कुछ एनिमल्स हैं, उसमें अलग अलग नंबरिंग दी हुई है कि मंकी इतने हैं, डियर इतने हैं, जैकल्स इतने हैं, तो आपको बताना है टोटल जो एनिमल्स हैं वो कितने हैं। क्या करेंगे, वही गर्ल्स बॉयज़ वाला आया ना कि गर्ल्स इतनी हैं, बॉयज़ इतनी हैं, टोटल आपको चिल्ड्रन बताने हैं, बस इसमें एनिमल आ गया यानी कि आपको तीनों को ऐड कर देना है, तभी आपको टोटल एनिमल्स फाइंड हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट लाइन है आपकी, नंबर ऑफ मंकीज़ कितने हैं, 356। सेकेंड लाइन है आपकी, नंबर ऑफ डियर्स, डियर कितने हैं, 168। थर्ड लाइन है आपकी, नंबर ऑफ जैकल्स, हाउ मैनी जैकल्स, 213 जैकल्स। अब आता है आपका लास्ट, जो आपकी लाइन बनती है वो है टोटल एनिमल्स, ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं, 6 एंड 8 दोनों को ऐड करके कितना आता है बेटा, 14।
14 में आप क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, देन कम से 17, 17 को मैंने बताया ना राइट हैंड वाला, आप यहाँ पर राइट करते हैं और जो आपका लेफ्ट हैंड की साइड होता है ऊपर जाता है कैरी में, ठीक है। चलिए ये आपका कैरी है 1, फिर आपका टेंस प्लेस को देखते हैं। वंस प्लेस आपका कंप्लीट हो चुका है, 1 + 5 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 1 = 13, ठीक है। एक बार और देख लेंगे, ऊपर फर्स्ट जो आपका नंबर है वो है 1, कैरी वाला 1 और 5, 1 में 5 ऐड किया 6 आता है। अब 6 में सेकंड आपका नंबर है 6, 6 में 6 ऐड किया देन कम्स इज 12, 12 में फिर आप क्या ऐड करेंगे, 12 आ गया ना, 12 में आप क्या ऐड करेंगे 1, 12 में 1 ऐड किया देन कम्स आंसर इज 13, 13 का आप राइट हैंड पर 3 है ना, तो 3 को आप यहाँ पर राइट करेंगे और 1 आपका हो जाता है नेक्स्ट प्लेस पर कैरी। लुक एट दिस, अब आप आते हैं 100 प्लेस पर, कैरी कितने हैं 1, 1 में 3 को ऐड किया 4, 4 में 1 को ऐड किया 5, 5 में 2 को ऐड किया 7, टोटल एनिमल 737, ओके बेटा। ये आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ स्कूल देयर आर 956 स्टूडेंट्स, एक स्कूल है उसमें जो स्टूडेंट्स टोटल यानी कि टोटल पढ़ने वाले बच्चे हैं वो है 956, ऑन अ रेनी डे 83 स्टूडेंट्स वर अब्सेंट, रेनी डे यानी कि बारिश की वजह से कुछ बच्चे अब्सेंट हो चुके, वे कितने हैं, वे हैं 83, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रजेंट दैट डे, अब जो प्रजेंट स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटा टोटल स्टूडेंट्स बता दिए गए और बताया है कि कुछ बच्चे नहीं आए स्कूल, और फिर बताना है हमें कि जो बच्चे आए हैं वो कितने हैं, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल स्टूडेंट्स में से, हम रेनी डे में जो अब्सेंट बच्चे हैं उन्हें लेस कर देंगे। लुक एट दिस, फर्स्ट लाइन इज टोटल स्टूडेंट्स 956, प्लेसिंग जरूर करनी है ऊपर, ठीक है। सेकेंड लाइन इज अब्सेंट स्टूडेंट्स 83, प्रजेंट स्टूडेंट्स इज, अब हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए बेटा, ये जो टोटल स्टूडेंट्स है 100 की उसमें है, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट है 956, आपके जो अब्सेंट स्टूडेंट्स हुए हैं ओनली 83, अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 956 है प्लेसिंग, इसमें हम प्लेसिंग का ध्यान जरूर रखेंगे, हमें डिजिट उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है। अब आपका है ये 83, ओनली 2 डिजिट्स है, हम इसको प्लेसिंग करते हैं अलग से, ठीक है। वंस प्लेस पर आपका क्या है 3, तो हमें ये 3 वंस प्लेस पर ही लिखना है, हम इधर से नहीं लिखेंगे 83 है, कुछ बच्चे क्या है इधर लिख देते हैं ना, नहीं लिखना है, ये हमारा 800 नहीं है, ठीक है, हमें प्लेसिंग के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, मैनेज करना है। प्लेसिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, मैनेज करना है। तो अभी मैंने बताया आपको 3 किस प्लेस पर है बेटा, 3 है आपका वंस प्लेस पर, देखिए थ्री है आपका वंस प्लेस पर, है ना, तो इसको हम क्या कहाँ पर लिखेंगे, वंस प्लेस पर, ये है आपका 956 HTO, इसीलिए कहती हूँ प्लेसिंग लिखनी ज़रूरी होती है, तभी हमें पता चलता है कौन सी डिजिट को हमें कहाँ मैनेज करना है। ये आपका 83, ये इसको भी हमने प्लेसिंग किया, ठीक है। वंस टेंस, वंस प्लेस पर क्या है 3 है, 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा टेंस प्लेस पर क्या है 8 है, 8 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारी ये जो प्लेस है यहाँ पर, ये क्या है, ये खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 0 लिख देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, हम इसको लेस करेंगे, ये आपका है 6 में से अब 3 लेस करेंगे देन आंसर 3, 5 में से 8 आप लेस नहीं कर सकते हैं, देन हम क्या करेंगे 110 लेके आएंगे, ये हो जाता है आपका 15, 15 में से 8 को लेस किया 7,
हमारे यहाँ पर 9 था बट हम 1 दे चुके हैं, ठीक है कैरी, तो हमारा क्या बचता है 8। ये आपका आता है आपका आंसर 873। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, जब मैं रीड करती हूँ ना तो आप लाइन पर ही देखेंगे, बुक ओपन करके जरूर बैठेंगे, ठीक है। लाइंस देखनी है, वर्ड्स देखने हैं। ऑन मंडे माई मदर गेव मी 24 स्वीट्स, मेरी मदर जो है वो मंडे में मुझे स्वीट्स देती है 24। ऑन ट्यूसडे 35 स्वीट्स, ट्यूसडे को देती है 35 स्वीट्स। एंड ऑन वेडनसडे, वेडनसडे में देती है 28 स्वीट्स, ठीक है। अलग अलग डे में अलग अलग नंबरिंग में स्वीट्स मिलती है। तो हाउ मैनी स्वीट्स डिड माई मदर गेव मी ऑल टुगेदर, अब मुझे बताना है कि मुझे ऑल टुगेदर यानी कि सभी दिनों में कुल मिला के मैंने कितनी मिठाई खाई है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इनको तीनों को हम मिला देंगे ऑल टुगेदर, एक जगह जोड़ना है ना, तो हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। लुक एट दिस, गेव मी स्वीट्स ऑन मंडे, गेव मी स्वीट्स इन ट्यूसडे, गेव मी स्वीट्स इन वेडनसडे, गेव मी स्वीट्स ऑल टुगेदर। ये आपकी लाइन्स है, तो 24 मंडे में मिलती है, 35 ट्यूसडे में, और वेडनसडे में 28। हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वंस प्लेस को देखेंगे, 4, 5, 9, 9, 8, 17। लुक एट दिस, वंस प्लेस में 4, 5 को ऐड किया 9, 9 में 8 को ऐड किया 17, 17 राइट हैंड पर है 7। देन हम क्या करेंगे, 7 को राइट करेंगे, अब हमारा 1 हो जाता है नेक्स्ट प्लेस पर कैरी, 1 हमारा नेक्स्ट प्लेस पर कैरी हो जाता है। 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 6 और 2, 8। हाउ मैनी स्वीट्स, 87 स्वीट्स। बेटा एक क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कंप्लीट करना है, ये आपका आज का वर्क है और ये आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। अगर आपकी ये आप ये पूरी पूरी लाइन नहीं लिख पाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो आप ये गेव मी इसमें से निकाल देंगे। अगर आप नहीं लिख पाते हैं, ज़्यादा छोटा करके भी आप अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं वर्ड्स, तो ये गेव मी को आप निकाल देंगे। ओनली स्वीट्स ऑन मंडे, स्वीट्स ऑन ट्यूसडे, स्वीट्स ऑन वेडनसडे, ठीक है, अगर स्पेस कम लगता है आपको, और अगर आप लिख सकते हैं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।